हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंजॉय फूड विद अक्कू। तो और आज बनाते हैं अचारी वाले एकदम टेस्टी टमाटर आलू की सब्जी। इतना अच्छा लगेगा खा के, तो सभी को मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ मैंने एक बड़ा चम्मच सरसों का ऑयल को गर्म कर लिया। इसमें डाला है कलौंजी, आधा चम्मच से भी थोड़ा कम, और इसमें डाला है जीरा, यहाँ डाला है थोड़ा, मैंने ज़्यादा हींग लिया है, तो इसमें हींग अच्छे से यूज़ कीजिए तो खाने को भी अच्छे से डाइजेस्ट कर देगा और फ्लेवर भी बहुत बढ़िया आएगा। इसमें डाला है मैंने करी पत्ता, इसका भी फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। बस इस तरह से यहाँ मैं सभी को चला दूंगी, अच्छे से मिक्स कर दूंगी सभी को, और ये बहुत जल्दी बनने वाली सब्जी है। तो यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज के टमाटर ले लिए हैं, उसको भी चॉप कर दिया था, तो इसको भी अच्छे से मिक्स कर दूंगी सभी को। थोड़ा ही इसको ऐसे पकने देंगे। अब मैं यहाँ ले लूंगी थोड़ा सा सौंफ, तो यहाँ मैंने हाथों से इसको थोड़ा क्रश करके डाल दिया है। बिल्कुल अचार वाला फ्लेवर चाहिए तो बिल्कुल अचार वाले वही मसाले डालने पड़ेंगे ना, तभी तो स्वाद अच्छा आएगा। तो इसीलिए मैं वही सारे मसाले यूज़ कर रही हूँ जो अचार में हम यूज़ करते हैं। और ये बहुत तुरंत जल्दी बनने वाली सब्जी है, आप इसको कभी भी बना सकते हैं, तो ज़रूर बनाइए। और यहाँ मैं डाल दूंगी थोड़ा सा इसमें साबुत धनिया। बस इस तरह से इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो हम टमाटर को देख रहे हैं, अच्छे से ये पक रहे हैं, ऑयल भी रिलीज होने लग गया है साइड साइड से। तो बस हल्के हाथों से इसको भी मैश कर देंगे। टमाटर जहाँ लग रहा है कि अब नहीं गल रहा है, तो उसको हल्को हाथों से मतलब दबाएंगे तो अच्छे से मैश हो जाएगा ये। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, धनिया मैंने 1.5 चम्मच लगभग लिया है इसमें, तो थोड़ा धनिया ज़्यादा ही यूज़ करें आप। और थोड़ा सा डाल दूंगी कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे कलर भी बहुत अच्छा आता है। तो बस जो नॉर्मली मसाले हमारे घर में यूज़ होते हैं वही यूज़ किया मैंने इसमें। और थोड़ा सा पानी डाल के मसाले में अच्छे से इसको चला देंगे, इसको भी थोड़ा अच्छे से ऐसे ही भूनने रख देते हैं। थोड़ा इसमें लगा देती हूँ मैं 5-10 मिनट के लिए ढक्कन, तो जो मसाला है वो अच्छे से भुन जाएगा। तो अब आप देखिए मसाला अच्छे से भुन गया, और देखिए ऑयल भी अच्छे से रिलीज होने लग गया, इसका मतलब मसाला आपका भुन गया है। तो बस इस तरह से अच्छे से चलाएंगे। अब यहाँ मैं लूँगी मैगी मसाला जो आता है ना, डालिए, इससे फ्लेवर बहुत बढ़िया आ जाता है सब्जी में। तो इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच मैं डाल दूँगी मैगी मसाला, इसको डाल के अच्छे से चला दीजिए। यकीन मानिए जब आप ये सब्जी बनाएंगे ना, तो सभी को बहुत पसंद आएगी। ना ही इसमें प्याज है, ना ही इसमें लहसुन है, कोई भी इसको, हर कोई खाने को तैयार रहेगा और बहुत ही जल्दी बन जाएगा। तो यहाँ देखिए मैंने इसमें ये आलू डाल दिया है, थोड़ा मैंने दरदरा ही रखा है, 4-5 मैंने आलू लिए हैं यहाँ पे। इसको मैंने दरदरा थोड़ा मतलब मैश किया हुआ, दरदरा पीसेस रहने भी दिया है इसमें, तो ज़्यादा मैश नहीं कीजिएगा, नहीं तो आलू घुट जाएगा और आपके आलू की सब्जी तो दिखेगी ही नहीं, कि सिर्फ ग्रेवी ग्रेवी दिखेगी। इसलिए थोड़ा सा पीस आप आलू के रहने दीजिए, और सभी को अच्छे से मिक्स करके मैंने इसमें 1/2 ग्लास पानी डाल दिया है। अगर आप चावल या किसी और के साथ खाना चाहें तो पानी बढ़ा दीजिए, अगर नहीं खाना चाहें, पराठा पूड़ी के साथ खाना चाहिए तो पानी कम ही रखिए। बस इसको अच्छे से यहाँ मिक्स कर देंगे। तो ये मैंने बनाई है चावल के लिए, तो इसकी थोड़ी मैंने ग्रेवी बढ़ा दी है। अगर आप पूड़ी पराठे के साथ खाएं तो उसको कम कर सकते हैं ग्रेवी को। बस धक्का लगा के 5-10 मिनट के लिए इसको पकने देते हैं। तो यहाँ देखिए थोड़ा थोड़ा ये पक रहा है, तो देखिए कलर मतलब सब्जी का कितना सुंदर निकल के आया है ना। तो बस धक्का लगा के फिर से हम 5-10 मिनट के लिए इसको ढक देते हैं। तो लीजिए ये तैयार है आपकी एकदम अचारी वाले आलू टमाटर की सब्जी। तो इस तरह से बनाएंगे, हर कोई खाना पसंद करेगा, और इसका स्वाद जो खट्टा खट्टा आएगा ना, तो बहुत ही टेस्टी लगेगा और स्वाद ही इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आएगा। तो ढेर सारा इसमें डाल देंगे धनिया, और गैस को ऑफ कर देंगे। बस सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए बनकर तैयार हो गई है अचारी वाले आलू की सब्जी, तो बहुत ही टेस्टी बनी है। तो आप भी जाइए और जल्दी से बनाइएगा। तो बस अब हम यहाँ पे प्लेट तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने चावल को चारों तरफ डाल दिया, और देखिए सब्जी को भी फैला दिया है, तो देखिए कितनी सुंदर प्लेट दिख रही है ना। तो आप भी जाइए और इस तरह से बनाइए। और आजकल तो गर्मियाँ चल रही हैं, तो आम वाली चटनी होनी चाहिए खाने के साथ, तो ये लीजिए। बस हमारी थालियाँ तैयार हो गई है, तो
इस तरह से बनाइए और सभी को खिलाइए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। और बस फिर सलाद धनिया डालिए और सब कीजिए, तो आप भी बनाइए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंजॉय।